गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सारे के सारे खुश तंदुरुस्त और अपने अपने घरों पे एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा ही राइड का टाइम आ गया है और अब हम यहाँ ले से अब हम निकलेंगे खारदुंगला, खारदुंगला से नुब्रा वैली। सो हमारा आज का जो आइटनरी है वो काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी डिफरेंट है, न्यू है। अभी बस हम 7 राइडर्स हैं जो हम निकले थे दिल्ली से, बट हमें एक तमिलनाडु का ग्रुप ज्वाइन कर रहा है। सो दीज आर 8 or 9 गाइस, सो दे विल बी आल्सो ज्वाइनिंग अस एंड दे आर आल्सो स्टेइंग विद अस जहाँ हम लोग रह रहे हैं। एंड नीरज पाजी इज लुक्स ऑल गियर्ड अप, वी ऑल लुक्स गियर्ड अप। सारा सामान गाड़ियों में पैक है, टेंजन ड्राइव कर रहा है बिकॉज हिमांशु टेंजन की बाइक चला रहा है। बस अब यहाँ से निकलते हैं और मैं रेडी हूँ पूरा का पूरा। कैमरा मैंने अपने चेस्ट में माउंट कर रखा है, सो अपनी बाइक रेडी है सामने बिल्कुल। और राइट, सो अपन हम अभी फीलिंग के लिए निकल पड़े हैं यहाँ से। फ्यूल पम्प 10 मिनट की दूरी पर है और सेम रूट पे है खारदुंगला के। सो वी आर ऑल गुड। मेरी बाइक में दिखा रहा है 325 किलोमीटर चल जाएगी, सो आई एम गुड। सो ये फ्यूल पंप नहीं है, आगे कह रहे हैं, आगे निकलते हैं जी। सामने नीरज भाटिया जी जा रहे हैं। रात को थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, बट आई गेस वो मैं आधा लेटा हुआ बैठा हुआ था, शायद उस वजह से लग रहा था। बट अभी जब मैंने वॉक चलता हूँ फिरता हूँ घूमता हूँ तो कुछ ऐसा फील नहीं होता। बाकी बाबे की कृपा, सच्चे पातशाह राजी खुशी लेके आए, राजी खुशी लेके जाइए। मैं भी बिल्कुल लापरवाह हूँ, 3 दिन ले में रहा हूँ और हेलमेट का स्क्रू तक नहीं पूछा मैंने किसी से, याद ही नहीं रहा। सो अब ये वाइज़र को ओपन शर्ट करते हुए मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। सो ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, बट नो प्रॉब्लम। आ गया जहाँ पे परमिट चेक कराना है। सो यहाँ पर अपने परमिट की एंट्री और जो भी नाम लिखा के नंबर लिखवा के यहाँ से आगे की तरफ निकलेंगे। ब्यूटीफुल व्यू देख ही सकते हो आप। इस रूट पे मैं पहले नहीं आया एंड आई गेस इट्स गोइंग टू बी मेसमराइजिंग। सो यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पे आके लोग फोटोग्राफ खींच रहे हैं एंड भाई साहब वो टेरन देखो, कतई रोड नहीं है वो। And it is such a dangerous road because देखो वहाँ से ट्रक्स जा रहे हैं और कार्स भी आ रही हैं। So this is fucking awesome. भाई साहब अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत देख रहे हो सामने, पूरा ले नज़र आ रहा है वो एंड पूरी की पूरी है माउंटेन रेंज। ब्यूटीफुल हवा बिल्कुल पूरी यूं वैली से लग के शुभ। और आई गेस हमें वहाँ ऊपर जाना है, वो वहाँ पे ऊपर मौसम अनप्रिडिक्टेबल ही रहता है तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। ऐसी जगहें आई गेस हम सब लोगों को आके ज़रूर एक बार देखनी चाहिए कि नेचर ने कितनी खूबसूरती बिछा रखी है इस धरती पे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, फुल नज़ारे। आई गेस हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है यहाँ पे कहीं पे, वो जा रहा। भाई साहब खारदुंगला में इतनी हाइट पे हेलीकॉप्टर, टाटा। सो जी खारदुंगला ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, 2 मिनट रह गए हैं। सो ये माइलस्टोन भी एडिट हो जाएगा हमारी जर्नी, द डायरी ऑफ हमारी जर्नी में। भाई साहब
कतई रिस्की मामला है, ज़्यादा देर तो कतई ना रुकनो यहाँ पर, फोटो खिंचाओ निकलो। मैंने अभी रेनकोट निकाल लिया। फाइनली हम लोग खारदुंगला पहुँचे और खारदुंगला पहुँच के जो वेदर था वो काफ़ी क्लाउडी हो गया था और लग रहा था कि बारिश या स्नोफॉल हो सकती है, बिकॉज खारदुंगला का जो वेदर रहता है टॉप पे बिल्कुल वो बहुत अनप्रडिक्टेबल रहता है, कभी भी बारिश स्नोफॉल तो होती ही होती है। तो बस मैंने फ़ोटो खिंचवाई और बाकी कुछ लोग जो पीछे रह गए थे वो भी धीरे धीरे अपने टाइम पर आते गए फ़ोटो खिंचवाने के लिए, बट मैं फ़ोटो खिंचवा कर अपनी वहाँ से टाइम से अपना गोप्रो ऑन करके निकल गया, क्योंकि रुकना कोई फ़ायदा नहीं था बिकॉज बहुत ज़्यादा हाइट पे है और आपको यहाँ पर सिकनेस फील हो सकती है बिकॉज ऑक्सीजन की कमी रहती है। बस मैं वहाँ से निकला और सीधा नीचे की तरफ चल पड़ा और रास्ते में जो स्नोफॉल हुई उसका तो नज़ारा ही ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त। फाइनली खारदुंगला कंप्लीट हो गया है। खारदुंगला से उतर के नीचे आ गए हम कैफ़े में, यहाँ पर खारदुंगला से नीचे उतर के जो कैफ़े आते हैं वहाँ पर खड़े हैं इस वक्त। ये हमारा बैकअप व्हीकल गोरखा और टीम सारी की सारी अभी ब्रेकफास्ट कर रही है। मैं कर चुका हूँ, वेला हो गया करके, मैं कहा यार व्लॉग शूट कर लूँ, अदरवाइज़ तो टाइम ही लगेगा क्योंकि सब एक ही लाइन में सब एक साथ चल रहे हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट। ये अपनी स्नो वाइट चमक रही है और अभी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल मिला, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा बट एकदम तेज़ी से स्टार्ट हुआ। बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत मज़ा आया बाइक चलाने में। ठंड एकदम बढ़ गई, रेनकोट निकाला और ग्लव्स तो ऑलरेडी थे ही मेरे पास, हीटिंग ग्रिप्स ऑन करी एंड दैट मेक्स माई लाइफ स्मूदर। सो या अभी देखो क्या सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। सो टोटली आर्मी कंट्रोल एरिया, अभी आर्मी के ड्रोन भी उड़ रहे थे यहाँ पे एंड इट वॉज क्वाइट मेस्मराइजिंग, बहुत ब्यूटीफुल है। ये हमारी बैकअप टीम,